नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मात्र 3 आलू से बनाए जाने वाले बहुत ही ज्यादा चटपटा सा चिप्स की रेसिपी, जिसके आगे आपको आलू के सारे ही रेसिपी, जैसे कि पापड़ बनाए होंगे या आलू का चिप्स बनाए होंगे, उसका स्वाद फीका लगेगा। और बनाने का तरीका बिल्कुल नया है। इस तरीके से आपको आज से पहले किसी ने नहीं बना के दिखाया होगा आलू के चिप्स। और इसे आप साल दो साल स्टोर भी कर सकते हैं बिना आलू को उबाले हुए, बिना कोई झंझट। आज मैं बना के दिखाऊंगी बिना मशीन बिना सांचे, लेकिन बाजार में मिलने वाले चिप्स के जैसे ही आलू के चिप्स बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। आप इसी हिसाब से ज्यादा या कम भी बना सकते हैं। आपको ज्यादा बनाना है तो आप 1-2 आलू और बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो कम भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि आलूओं को डालेंगे पानी के अंदर और इसको अच्छे से मल मल के साफ करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जब भी जिस भी समय वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारे वीडियो को देख पाएंगे। ज्यादातर हमारे रेसिपी चिप्स, पापड़, फ्राइम्स, चकली, मठरी, नमकीन, इसी सब टाइप का होता है। तो आप घर बैठे बैठे बहुत सारे रेसिपी बनाना सीख जाएंगे। जो मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर आलू को पहले अच्छे से एक बार धुल के साफ कर ली हूँ। अब क्या करना है कि आलू का जो छिलका है ऊपर वाला, ये हमें हटाना होगा। तो इस तरीके से आलू का छिलका को हटा देना है सारे ही आलू से। इस टाइप की रेसिपी खासकर बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादातर ये बाजार वाले ही रेसिपी खाना पसंद करते हैं। यदि आप घर में बिल्कुल बाजार के जैसे ही बना के देंगे तो वो बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगे कि मुझे बाजार वाला ही खाना है। आप घर में बना सकते हैं सस्ते में ढेर सारा, और जो चाहें आप इसमें ऐड करें, अपने मन के मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं और ताजा ताजा बना के भी आप बच्चों को खिला सकते हैं। तो देखिये, इसी तरीके से आलूओं को हमें छील लेना है। फ्रेंड्स, कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या डाली और कैसे बनाई। तो सारे चीज आप अच्छे से देख ले एक बार, उसके बाद आप इसको बार बार बना के रखना चाहेंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए, तीनों आलू को अच्छे से धो छिल के साफ कर ली हूं। अब जो इसका छिलका है इसको हटाएंगे और आलू को दूसरे पानी से 2 से 3 बार पहले इसको अच्छे से साफ कर लेना है, जिससे कि आलू जो काला पड़ने लगता है वो काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, आलू को अच्छे से साफ कर लिया। अब क्या करेंगे, पहले आलू को हटा लेना है हमें ये वाले बर्तन से, और इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है, पानी थोड़ा कम ही डालिएगा। क्यों पानी डाल रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। पानी डालने से फिर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसमें डालना है हमें स्वाद के अनुसार, यानी कि छोटी चम्मच से आधा चम्मच नमक, कोई स्वाद नहीं, ऐसे ही आप इसमें डाल दें नमक। और साथ में डालेंगे, यदि आपके पास नींबू है तो आप नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं 10 बूंद के करीब, और नहीं तो आप व्हाइट विनेगर ये भी डाल सकते हैं। तो आज हमारे पास नींबू खत्म है तो आज मैं विनेगर का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिये, थोड़ा सा, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम ही इसमें विनेगर डाल दी हूँ। इससे क्या होगा कि पानी में थोड़ा सा खट्टापन आ गया है और सारी चीज को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये वाले स्टेप आपको जरूर करना है। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आपके आलू के जो आप चिप्स बनाएंगे वो बहुत ही ज्यादा खस्ता बनेगा, और दूसरा फायदा ये है कि आलू का कलर जो है वो भी चेंज नहीं होगा। तो अभी वापस से आलू को इसी में डाल दी हूँ। अब क्या करना है कि आलू को हमें कट करना है। आप कट भी कर सकते हैं आलू को और कद्दूकस भी कर सकते हैं, क्योंकि आज बिना उबाले हुए आलू का बनाएंगे चिप्स, तो इसके लिए हमें आलू को किसी भी तरीके से आप कट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं कुछ इस तरीके से आलू को कट कर ले रही हूँ। थोड़ा बारीक ही काटेंगे, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे। देखिए
फ्रेंड्स, आपको आलू के इंस्टेंट चिप्स बनाने हैं बिल्कुल बाजार के जैसे, तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, मैं पहले ही अपलोड की हुई हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। आप नए हैं, आपको तरह तरह के पापड़ बनाने के शौक है, घर बैठे बैठे आप बहुत सारे पापड़ बनाना चाहते हैं, तो आप YouTube पर सर्च करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मी सहेली पापड़ रेसिपी आप सर्च कर लेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे, जो कि मैं बहुत ही आसान तरीके से बना के डाली हुई हूँ, जिसमें उड़द दाल और चने दाल, मूंग दाल के पापड़, जो कि बनाना काफी कठिन होता है, उसे मैं बहुत ही आसानी से और आसान तरीके से बना के डाली हुई हूँ। तो आप सर्च करके जरूर देखिए हमारा दूसरा वीडियो। और मेरी सहेली के नाम से आप जैसे नमकीन, मठरी, चकली, जो भी आपको देखना है, तो आप हमारे चैनल का नाम लिख के सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो या समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से तीसरे आलू को भी कट कर लेंगे, जैसे हम लोग आलू का भुजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको कट करके और पानी में डिप करेंगे। आप इससे भी छोटा और पतला कट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चौकोर भी इसे काट सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे भी आप इसे कट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा पतला होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं सारे काट लेती हूँ। तो अभी क्या करेंगे कि नमक और विनेगर वाला पानी में आलू को डुबा के 5 मिनट तक छोड़ेंगे। देख पा रहे हैं कि पानी का कलर जो है बिल्कुल चेंज होते जा रहा है, तो इसको 5 मिनट तक छोड़ना है, जिससे कि इसमें जो भी कालापन है वो निकल जाएगा और आलू विनेगर के वजह से काफी स्वादिष्ट भी हो जाएगा। और थोड़ा सा जब इसका चिप्स बनाएंगे और जब फ्राई कीजिएगा तो वो बहुत ज्यादा फूलेगा, खस्ता होगा, तो इसके लिए 5 मिनट इसमें ही इसको छोड़ना है। आलू को छोड़े हुए 5 मिनट के करीब हो चुका है, इसमें और पानी थोड़ा ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब सारे आलू को हमें निकाल लेना है पानी के अंदर से, क्योंकि इसे साल भर के लिए आप स्टोर करना चाहेंगे तो साफ सुथरे ढंग से बनाएंगे, तभी जाके ये सब रेसिपी जो है खराब नहीं होता है, नहीं तो कुछ दिन के बाद ही इसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है, तो ये भी वजह है इसमें विनेगर डालने का। तो अभी देखिए, अब क्या करना है कि आलू को हमें दूसरे पानी में नहीं डालना है, बस विनेगर वाले पानी से ही निकालेंगे, थोड़ा ज्यादा पानी बढ़ा देंगे और उसके बाद आलू को छान के निकाल ली हूं। अब कटे हुए आलू को आप कोई भी कप हो या कटोरी हो, किसी भी चीज में डाल के इसको देख लीजिएगा कि कटा हुआ आलू जो है वो कितना है। ये छोटे वाले कटोरी में डालती हूँ और देख लेती हूँ, यदि बचेगा तो फिर दूसरे कटोरी में डालना होगा, लेकिन नहीं, ये देखिए ये वाले कटोरी से एक कटोरी हमारा कटा हुआ आलू है, तो इसको नापना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कच्चे आलू से इस टाइप की रेसिपी बनाते हैं तो बहुत अच्छे से नाप तोल का ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक कटोरी आलू है हमारा, तो इसी के हिसाब से इसमें सारे सामग्री ऐड करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, आलू को रख देती हूँ साइड में, और सबसे पहले इसका मसाला, जो इसमें मसाला जाएगा वो मसाला देख लेते हैं। तो एक छोटा कटोरी आप कोई भी ले सकते हैं और इसमें मसाला डालिए। तो सबसे पहले इसमें डालना है हमें जीरा, जीरा भुना हुआ नहीं है, कच्चा ही जीरा है, और इसमें डालना है हमें सफेद वाला तिल, ये सब डालिएगा। इस सब जो है बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है, तो इस बहाने से भी आप घर में यूज कर सकते हैं तिल, और साथ में डालेंगे थोड़ा कलौंजी, और इसमें डालना है हमें चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स, हरी मिर्ची जो भी पसंद करते हैं आप इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप देख लेंगे कि आपको किस हिसाब से इसमें मसाला डालना है, क्या डालना है क्या नहीं डालना है। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा डालेंगे चुटकी भर जितना अजवाइन, अजवाइन से भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो इतना सा इसमें अजवाइन डाल देती हूँ और अजवाइन को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाद में मसाले को हल्का सा हाथों से क्रश करके यूज करना है, तो ऐसे ही इसमें अजवाइन डाल दी हूँ।
तो आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपको आलू का चिप्स बनाना है। तो अभी क्या करेंगे, ये वाले कटोरी का आलू हटा देंगे और ये कटोरी को हमें खाली कर लेना है। अब इससे इसमें डालेंगे पानी। एक कटोरी हमारा आलू है, उस हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ। यदि आप दो कटोरी आलू ले रहे हैं तो उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। एक कटोरी हमारा आलू है तो यहाँ पर देखिए सेम कटोरी से हमें दो बार इसमें पानी डालना है। पैन के अंदर पानी डालने के बाद इसमें डालना है हमें नमक। नमक स्वाद के अनुसार आप अभी भी डाल सकते हैं और चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें डाल देना है सारे आलू को। और पैन को चढ़ा दी हूँ चूल्हे के ऊपर और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि इसके ऊपर से लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाने से पानी हमारा बहुत जल्दी उबलेगा। ये वो उबलना शुरू हो चुका है। आलू को बीच बीच में आपको चलाते रहना होगा। पानी बराबर डालिएगा फ्रेंड, पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। चेक करने के लिए आप चाहे तो चाकू का मदद ले सकते हैं या हाथ से भी आप इसको टच कर सकते हैं। देखिए आलू जो है हमारा पक चुका है और हल्का सा भी आलू क्रंची है, यानी कि और इसको थोड़ा देर हमें पकाना होगा। लेकिन इसके साथ हमें डालना होगा दूसरा सामग्री को ले रहे हैं, उसी से आपको आधा बर्तन के जितना डालना है सूजी इसके अंदर। आप चाहें तो उससे ज्यादा भी डाल सकते हैं, चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। और सूजी ऐसे ही आप डाल दें, बिल्कुल भी इसमें काट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आधा कटोरी के जितना इसमें सूजी डाली हूँ। अब सूजी डालने के बाद इसको अच्छे से एक बार मिक्स करना है, क्योंकि सूजी बहुत ज्यादा पानी सोखता है तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा ये। तो जितना आप आलू ले रहे हैं उसका आधा आप इसमें सूजी डाल लीजिएगा। अब फिर से वापस से ढक्कन लगाना है और अच्छे से आलू को पकने देना है और साथ में सूजी को भी पकाना है, जिससे कि पानी गाढ़ा हो जाए। तो आप इसमें थोड़ा हल्का सा फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल देती हूँ। यदि आपको डालने का मन है तो डालिएगा, नहीं डालने का मन है तो आप ऐसे भी प्लेन बना सकते हैं। फूड कलर इसके लिए डाली हूँ कि इसमें एक चुटकी डालेंगे मीठा सोडा, खाना सोडा जो होता है। उससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से फूलेगा जब चिप्स को फ्राई करेंगे। आप हल्दी डाल रहे हैं यदि कलर के लिए, तो आप मीठा सोडा इसमें नहीं डालिएगा, नहीं तो हल्दी और मीठा सोडा एक साथ होने से ये जो पीला कलर हुआ है वो लाल हो जाएगा। और कलर के साथ आप मीठा सोडा डाल सकते हैं। तो बस एक चुटकी ही डाल रही हूँ, एक क्या आधा ही चुटकी, क्योंकि आलू भी हमारा कम है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए बिल्कुल भी घाटा का सौदा नहीं होगा। फ्रेंड हमारे से जुड़िए और जैसा जैसा मैं रेसिपी बनाती हूँ घर बैठे बैठे बहुत सारे पापड़ चिप्स फ्राइम्स बना के रख ले। पापड़ खाना हर कोई को पसंद होता है और इसका कोई सीजन नहीं होता है कि आप आज पापड़ खा सकते हैं और कल नहीं खा सकते। हर रोज यदि बिना सब्जी का भी दाल चावल पापड़ मिल जाए तो भी आराम से आप खा के उठ सकते हैं। तो बहुत ही तरह तरह के पापड़ की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत आने वाला है। तो आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्यारा प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है, क्या चीज की रेसिपी और आपको चाहिए, तो आप लोग फरमाइश भी कर सकते हैं। तो देखिए अब जो है ये बहुत अच्छे से पक गया है, सूजी भी पक गया है और आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, देख पा रहे हैं। तो अभी कर देंगे गैस को बंद, और गैस को बंद करने के बाद ये जो मिक्स है इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। अभी क्या करेंगे, इसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लेके मिक्सर जार में। तो यहाँ पर छोटा वाला जार ले रही हूँ और इसमें डालेंगे। तो एक बार में सारा पेस्ट इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे जिससे इसमें जो आलू का टुकड़ा है वो अच्छे से पिस जाए। बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, तो एक बार आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। और बनाने का तरीका भी काफी आसान है। इसको पीसते हुए जरा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए आलू और सूजी को बहुत अच्छे से पिसी हूँ और ये बिल्कुल चिकना सा पिस चुका है। इसको निकाल लेना है दूसरे बर्तन में और देख पा रहे हैं कि काफी ये गाढ़ा गाढ़ा है। तो सारे आलू हमारा जो है और सूजी पिस चुका है और देखिए कितना ज्यादा हो गया है। अब इसमें डालेंगे मसाले जो कि आपको बना के पहले ही दिखा दी थी। सारे मसाले इसमें डाल देना है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स सारे चीज को अब अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पर कोई सा भी खाली पैकेट ले सकते हैं, दूध का हो या चिप्स का हो, और इसके अंदर सारे मिक्स को डाल देंगे। और यहाँ पर पॉलीथीन ले ली हूँ, पॉलीथीन पे चाहे तो हल्का सा आप तेल लगा सकते हैं और इसके किनारे पे थोड़ा सा कट लगाना है, मोटा पतला आप जैसा चिप्स बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको कट लगा देना है। और इसमें देखिए इस तरीके से हमें गोल गोल राउंड राउंड इसका जो है शेप देना है, जैसे बाजार वाले आलू के चिप्स पैकेट में मिलता है बिल्कुल ऐसा ही रहता है, उसी तरीके से हमें इसको भी बना लेना है। देखिए इस तरीके से, और बहुत अच्छे से इसको ज्वाइंट कीजिएगा, नहीं तो जब आप फ्राई कीजिएगा तो ये खुलेगा ऐसे करके। थोड़ा बड़ा बड़ा शेप रखेंगे तो सूखने के बाद ये जो है थोड़ा छोटा हो जाता है। देखिए सारे चिप्स बनके तैयार हो चुका है, अब इसको डालते हैं सूखने के लिए। आप पंखे के हवा में या धूप में जैसे चाहें वैसे सुखा सकते हैं। चलिए सूखता है फिर मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए आलू के चिप्स सूखने के बाद कुछ इस तरीके का बनके आया है। बहुत ही अच्छा मसालेदार चटपटा। तो चलिए अब कुछ चिप्स को फ्राई भी करके दिखाती हूँ। अच्छे से सुखा के फिर इसको स्टोर कीजिएगा तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें कुछ चिप्स को डालते हैं। चिप्स फ्राई होने के बाद बहुत अच्छे से फूला भी है, इसका साइज भी थोड़ा डबल हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसी तरीके से बना के घर में रखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चाहे तो चाट मसाला डालिए या ऐसे भी, बहुत मसालेदार है तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।